लगाकर केजरीवाल कहा नौटंकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अकाली बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक तो बेंगलुरु जाने की क्या जरूरत। उपराज्यपाल आवास पर 9 दिन तक मंत्री के साथ धरना देने और फिर केजरीवाल के इलाज के लिए बेंगलुरु जाने की बात को लेकर बीजेपी अकाली विधायक मनिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के कई मुख्य इलाकों में होर्डिंग लगाकर उन पर सवाल खड़ा किया। सिरसा द्वारा लगवाए गए होर्डिंग में लिखा है नौटंकी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इनका पता एलजी हाउस है। सिरसा ने कहा इन्हें दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं है, पहले 9 दिन खुद को बंद कर लिया, फिर अब निकले हैं इलाज के लिए बेंगलुरु के नेचुरल थेरेपी सेंटर। सवाल किया कि जब वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का दवा कराते हो तो शुगर के इलाज के लिए बेंगलुरु जाने की क्या ज़रूरत है। क्या क्या आरोप लगा रहे हैं सिरसा, आइए सुनते हैं। का मकसद नौटंकी करना है, वो केवल नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली को तो उन्होंने तबाह कर दिया, 9 दिन तक नौटंकी करते रहे, अब कह रहे हैं नौटंकी करके थक गया हूँ इसलिए बेंगलोर जा रहा हूँ। दिल्ली के लिए तो कभी सीरियस थे नहीं, उनको कभी चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की, जिन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया। इज़ द मोस्ट यूजलेस इनकॉम्पिटेंट नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और ऐसे मुख्यमंत्री के लिए हमने इसलिए होर्डिंग लगाया है कि ये 9 दिन नौटंकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके कलाकार हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और इनको अगर आपने मिलना हो, पता बुकिंग करनी हो इनकी नौटंकी कराने के लिए, तो एलजी हाउस के वेटिंग रूम में जाएं, नहीं तो वो नेचुरल थेरेपी जो है बेंगलोर में, जहाँ उनको अक्सर इलाज कराने के लिए भागना पड़ता है, यहाँ तो बोलते हैं कि मेरा जो हॉस्पिटल वो बना रखी है उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक, वो वर्ल्ड क्लास है, कोफी अनान उसको देखने आ रहे हैं। अच्छा, जिसको कोफी अनान देखने आ रहे हैं वहाँ तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, मतलब वो वर्ल्ड क्लास डिस्पेंसरी में भी मोहल्ला क्लिनिक में भी अरविंद केजरीवाल का इलाज नहीं हो सकता शुगर का। ये कैसी नौटंकी, इससे बड़ी नौटंकी इस देश में कोई क्या कर सकता। इसलिए हमने ये दिल्ली के लोगों को जागृत किया है कि 9 दिन नौटंकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये कलाकार हैं, ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कोई सेवा करने वाले लोग नहीं, इनके मन में कोई दिल्ली के प्रति न दर्द है न भावना है। 9 दिन हड़ताल पे धरने पे रहे और उसके बाद अब कर्नाटक जा रहे, क्या लग रहा है कि अभी इनको बाहर जाना नहीं चाहिए? पहली बात, 9 दिन निकला क्या उस धरने में से, जो नौटंकी उन्होंने की उस नौटंकी में से क्या निकला? क्या जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी की फाइल थी वो क्लियर होगी? जो कहते थे दिल्ली का मैं बहुत अतिश, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कहा था हम पानी भी छोड़ देंगे अगर नहीं यहाँ से हटाया, हम मर जाएंगे पानी भी छोड़ देंगे, और ये नौटंकी कर रहे थे वहाँ परौंठे खा रहे थे बैठ के। क्या हुआ हमारे, क्या अफसर स्ट्राइक जो कह रहे थे वो कहाँ है स्ट्राइक? अब खुद ही कह रहे कुछ स्ट्राइक पे नहीं है, अब खुद ही कह रहे सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम 9 दिन एक कमरे में अपने आप को हाईजेक करके, अपने आप को खुद ही बंद करके क्यों रखा हुआ था? सारे दिल्ली को आपने हाईजेक कर दिया, सारे सिस्टम को आपने हाईजेक कर दिया। ये नौटंकियाँ जो हैं इसके कारण दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ है, दिल्ली की कई साल तक भरपाई कर नहीं पाएगी। दिल्ली बहुत बार उजड़ी है और बहुत बार वापस बसी है, लेकिन इस आदमी की ये जो हल्की राजनीति है, नौटंकी वाली राजनीति है, इससे दिल्ली जो उजड़ रही है, शायद उसका भुगतान कितने साल तक हमें करना पड़ेगा आपको अभी एहसास नहीं है। तो सुना आपने इन्होंने क्या क्या बताया केजरीवाल के धरने और इलाज को लेकर। केजरीवाल के नौटंकी को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस, पंत मार्ग, मंडी हाउस, राजेंद्र नगर, पटेल नगर सहित 10 जगहों पर इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनके पीछे तर्क यही है कि केजरीवाल ने नौटंकी करके दिल्ली को तबाह कर दिया, ना दर्द है और ना ही जनता के लिए भावना, खुद 9 दिन धरना पर रहकर हाईजेक कर लिया। दिल्ली से संवाददाता वीरेंद्र कुमार के साथ राखी रंजन की रिपोर्ट। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN News दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।